हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आकाश ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं लखनऊ के लुलु मॉल में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत मॉल बनाया गया है। हाल ही में उसके 11 जुलाई को उसका उद्घाटन माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने किया हुआ है और लुलु के मालिक भी वहाँ पर है। तो नाम भी इसका बहुत ही अजीब है, लुलु, और काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए इसके पूरे अच्छे से देखेंगे। और रोडों का आप देख रहे हैं, जैसे जगदीश्वर मिश्र पार्क से हम लोग निकल रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं टेम्पो के थ्रू। और टेम्पो वाले भैया बहुत ही स्पीड में लेके जा रहे हैं, बहुत ही पैसे लिए उन्होंने हमसे, 150 रुपये ले लिया वहाँ तक जाने के, तो हमें बहुत अफसोस हो रहा है। चलिए मिलते हैं। उससे पहले लुलु मॉल के बगल में एक मॉल है जो कि आप देख रहे हैं, अपेंडिक्स या ओमेक्स भी बोल सकते हैं, इसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है क्या नाम है। काफ़ी ज़बरदस्त था। अब ये पहले नंबर पर था पहले लखनऊ में, अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है। फिलीपींस नाम है, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो चलिए शानदार सड़कों का देख रहे हैं और खूबसूरत मौसम का नज़ारा लेते हुए मिलते हैं मॉल के अंदर। ये हम पहुंच चुके हैं लुलु लखनऊ वाले मॉल में और ये इसका बैक एंट्रेंस है। यहाँ पे हम लोग टेम्पो से उतरे थे और ये सिक्योरिटी चेक करा के हम लोग अंदर चलते। काफी जबरदस्त भीड़ है और काफी ज्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है शायद भंडारा हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं यहाँ पे? और काफी लखनऊ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं डेली विजिट करने के लिए, बाहर से भी काफी लोग आए हैं, तो सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। तो चलिए एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद अंदर एंट्री करने के बाद आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं क्या शानदार लाजवाब इलाका है, पूरा मतलब ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो आप खूबसूरती इसकी देख रहे हैं और आइए पूरा राउंड अप कराते हैं एक बार म्यूज़िक के साथ। यहाँ पे लेंस कार्ड का ऑफिस और देखिए क्या जगमगाता हुआ ये। हम लोग हैं सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे एक गो कलर्स का भी काफ़ी बड़ा शोरूम है, प्यूमा है, पर अभी तक यहाँ नाइकी अवेलेबल नहीं हुआ है। नाइकी का काफ़ी मैंने शोरूम यहाँ देखा था पर नहीं मिला। डी कैथलॉन है जिसमें स्पोर्ट्स का सारा सामान मिलता है, काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स है और काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के हैं। और सामने आप देख रहे हैं लुलु लखनऊ का हैशटैग लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर बनाया गया, ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ा मॉल है ये,
और लेडीज़ के बारे में देखें तो लेडीज़ क्लॉथ्स काफ़ी है, अलग अलग कंपनियाँ 50% ऑफ भी चल रहा है अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी नया नया खुला हुआ है। और गो कलर्स के तो क्वालिटी आपको पता ही अलग ही रहता है। तो देखते रहिए वीडियो को, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जस्ट आप देख रहे हैं काफ़ी दुकानें अभी क्लोज़ हैं जो कि अभी खुलने वाली हैं, इनका इनॉग्रेशन अभी हुआ नहीं है। और आप ऊपर से सेकंड फ्लोर से अगर आप नीचे देखते हो तो क्या झलक दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त जो आर्टिफिशियल बोल सकते हैं जो प्लांट होते हैं वो लगाए गए हैं, और लाइटनिंग ज़बरदस्त खूबसूरती है। और तो अभी हम पहुंच चुके हैं जस्ट एक बुक की शॉप में जिसका नाम है क्रॉस वर्ल्ड, और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक है, जैसे आप सामने देख रहे हैं सी यू एक्सीलेंस। ये बुक एक ऐसी है जो आप इसको पढ़ने का सी यू बन जाएंगे बहुत ही सस्ते में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर ऐसा नहीं, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको देखा था। और डॉक्टर हमारे सुभाष चंद्र बोस की भी काफ़ी अच्छी बुक रखी हुई थी, वो भी मैंने देखा, आर्ट ऑफ ब्रेथफुलनेस है। काफ़ी जितने भी डिफरेंट राइटर इंटरनेशनल राइटर हैं वो सारी बुक यहाँ पे आए। मैं भी बुक लेकर आया था इमोशनल इंटेलिजेंस, पर वो उसका हिंदी वर्जन नहीं मिला था। और मैं सेलिंग में सफलता, काफ़ी चीज़ें ऐसी बुक्स हैं यहाँ पर जो बहुत ही अच्छे लेवल की बुक्स हैं यहाँ पर रखी हुई थी, आप यहाँ से खरीद सकते हैं अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो। वैसे पढ़ने का शौक होना चाहिए तो कोई नहीं। और देखिए काफ़ी, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बुक्स आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप की जो बुक्स लगी हुई हैं, तो मुझे बताइएगा सबसे अच्छी बुक आपको कौन सी पसंद आई आज तक अपनी लाइफ में, जो बुक पढ़ के आपको अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस आए होंगे। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है। बुक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी हाफ प्राइस में भी चल रहा है, क्योंकि मॉल नया नया खुला हुआ, जितने भी कॉस्ट हैं बुक्स की, जो अगर कोई बुक 400 रुपये की है वो 200 रुपये मात्र मिली है, विद 18% GST भी मांग रहे हैं। ये गलत बात है लोगों की, पर कोई नहीं। पर जो भी कॉस्टिंग आ रही है बुक्स की वो सारी हाफ रेट में मिल रहे हैं, हाफ प्राइस में बुक आ रही है। और सामने आप देख रहे हैं पेन का स्टैंडिंग लगा हुआ, और मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस वर्ल्ड के बगल में जो लिखा है प्रीमियम पेन। इस पेन में पेन की जो कॉस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा, 1000 से लेकर 50000 तक के ये पेन है। अभी हम हैं सेकंड फ्लोर का जो मैपिंग डाटा लिखा हुआ उस पर, और बहुत ही मशक्क़त के बाद हमें ये पता चला ये कोई टच नहीं है, नॉर्मल एक पेपर के साथ लगाया गया था। इतनी बेइज्जती हमें फील हुई, हम इसको बार बार ठोक रहे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। बाद हम लोग चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ, ये सेकंड फ्लोर पे है, मे बी थर्ड फ्लोर पे है, नहीं सेकंड पे ही है, सॉरी ये सेकंड फ्लोर। काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है, मतलब इतना भीड़ था, इतना भीड़ था यहाँ पे, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना भीड़ नहीं देखा यहाँ पे, बहुत भीड़ था यहाँ पे। भीड़ तो मैंने काफ़ी देखे हैं, पर एक फूड कोर्ट में जितना भीड़ होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थे यहाँ पे, मतलब क्राउड बहुत था यहाँ पे। डोमिनोज और आपका वाह मोमोज और मैकडोनल्ड नहीं है अभी इस मॉल में आया है, और काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, सारे फूड कोर्ट थे सारे आपके, और KFC भी था, रिजल्ट डिजिटल भी था, और काफ़ी सारे फूड कोर्ट लाइन वाइज लगे हुए हैं। और कुछ की अभी ओपनिंग नहीं हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त एरिया में, लार्ज एरिया में फूड कोर्ट बनाया गया है। वाह मोमोज है, काफ़ी टेस्टी मोमोज मैंने इसके किए थे, हम लोग टेस्ट भी किए थे, उसका ब्लॉग हम शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, अभी तो नॉर्मल क्राउड हो गया है। और आगे आप देख रहे हैं क्लीनिंगनेस की अगर बात करें, साफ सफाई पर कोई ना कोई आप वहाँ घूम रहा है, वाओ चिकन का भी शोरूम आप देख रहे हैं, मतलब वहाँ कोई ना कोई बार बार सफाई कर रहा है, व्हीकल लेके जा रहे हैं, या ट्विटर व्हीकल होता है जैसे आप साफ सफाई करते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त साफ सफाई हो रही थी, मतलब क्लीनिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। अगर आप उसकी वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम तो इतने ज़बरदस्त क्लीनिंग थे, मतलब काफ़ी ऑटोमेटिक हर चीज़ सेंसर थी, हर जो भी चीज़ वहाँ पे जो थी वहाँ पे मॉल के अंदर काफ़ी सेंसेबल चीज़ थी। और आप चाहे टेबल पे बैठ सकते हैं, चाहे स्टैंडिंग टेबल, लार्ज टेबल थी वहाँ पे, पिज़्ज़ा हट का आप जैसे देख रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है, और काफ़ी टेस्ट ऐसा नहीं था, काफ़ी अच्छा टेस्ट तो है ही है कंपनियों का। तो फूड कोर्ट की तो आप कह ही नहीं सकते, तो मुझे लगता है आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे, फैमिली के साथ घूमने ज़रूर आइए, और कोई भी लेके आ सकते हैं। और आप बोल सकते हैं आइसक्रीम का जो गेमिंग जोन था वो भी था यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सारे तो अभी खुले ही नहीं है। और सबसे बात यहाँ पे सबसे जो तीन चीज़ हैं, एक तो लूलू का हाइपर मार्केट सा काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे घर के सारा सामान, ग्रोफर्स का सार, ग्रोसरी का जारा सारा सामान आपको मिल सकता है, KFC में आप आ सकते हैं। साथ में इसका गेमिंग जोन एरिया वाज सो लार्जेस्ट, 1 रुपये से लेके 350 रुपये तक में आपको यहाँ एक कार्ड रिचार्ज करा सकते हैं, 600 रुपये से 1000 रुपये का वो ATM टाइप का कार्ड था, उसको आप रिचार्ज कराइए गेमिंग जोन में, और वहाँ पे आप स्वाइप करिए, 1 रुपये से 200 रुपये तक के सारे गेम, इतने ज़बरदस्त गेमिंग थे, काफ़ी लार्ज एरिया में गेमिंग जोन है। तो चलिए हम आपको गेमिंग जोन एरिया में लेके चलते हैं। सामने काफ़ी बड़ा ये गेमिंग जोन है, फटोटना कंपनी है कोई, काफ़ी उसका काफ़ी पूरा बैकएंड घेर रखा है इसका, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है, और अलग अलग डिफरेंट्स आपके
फंटोरा नाम है इसका, कार्ड से आप स्वाइप करने का सिस्टम है इसमें। जो अगर बात करें कौन कौन से टॉयज़ हैं तो 360 डिग्री था, और ऊपर पार्टी रूम भी है, वहाँ जाके आप पार्टी कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त रूम बनाया गया हॉल टाइप का, आप डांसिंग कर सकते हैं वहाँ पे। और गेमिंग जोन की बात करें तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, पॉपकॉर्न से लेकर आइसक्रीम, छोटे छोटे टूल्स हैं, केबल्स हैं, गनिंग रन थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जंगल जूम है और काफ़ी जंपिंग वाले टाइप के काम थे। और बात करें सिक्योरिटी तो काफ़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी भी थी, बच्चों की सिक्योरिटी है। यहाँ से आप टिकट काउंटर से आप कार्ड बनवा सकते हैं, कार्ड बनवाने के बाद आप जो चलेंगे आगे तो आप देख रहे हैं कि सामने। सामने झूला बना हुआ है, इसकी जो टिकट थी वो 250 रुपये थी, 250 रुपये थी। उसके सामने रेलवे ट्रैक टाइप का बनाया हुआ है, और ये चिल्ड्रंस के लिए गेम है जो कि रोप पार्ट का क्लाइंबिंग करनी थी, माउंटेन टाइप का क्लाइंबिंग बना रखा है। और ये 360 डिग्री वाला गेम है जो कि पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। और काफ़ी बच्चे काफ़ी जगह से, सामने आप देख रहे हैं रोपिंग का है, आप वेल्ड से सारे क्रॉसिंग करने पड़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा पोगो टिप टाइप की टीवी में, ठीक है। और ऊपर आप जैसे देख रहे हैं तो ऊपर एक ग्रीन कलर का रोड बनाया गया, इसमें पूरा सर्कुलेट मारता है, सर्कुलेट करने के लिए ऊपर बनाया गया ये सारी चीज़ें। ऊपर जो आप ग्रीन कलर की केबल देख रहे हैं, ये आप मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे अभी एक बच्चा भी कैंडिडेट निकल के जाएगा। ये देखिए ऊपर सामने कैसे घूम रहा है, मतलब काफ़ी टाइप का, मतलब काफ़ी खतरनाक गेम भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है, मज़ा बहुत है, मतलब काफ़ी इन्जॉयमेंट है और काफ़ी बड़ा इन्जॉय। सामने आप रेलवे ट्रैक टाइप का देख रहे हैं, तो आगे भी बहुत सारे गेम हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए देखते रहिए। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ऐसी मज़ेदार वीडियो हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की और नॉलेजेबल वीडियो लाएंगे, तो जरूर आकाश ब्लॉग्स को शेयर करिएगा। ये आपका जंपिंग टाइप का ऊपर जाता है स्काई, फिर डाउन आता है, फिर स्काई जाता है, फिर डाउन आता है, काफ़ी इस टाइप के गेम्स थे वहाँ पर, तो काफ़ी ज़बरदस्त गेम है। चलिए और सारे गेम देखते रहिए विद म्यूज़िक वीडियो।